हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में जो डार्कर पार्ट्स होते हैं उनके हवाले से, यानी हम लोग अपने फेस का जिस तरीके से ख्याल रखते हैं, कुछ ऐसे हमारे पार्ट्स हैं जिनको हमारी केयर की वैसे ही ज़रूरत होती है जैसे हमारे फेस को, लेकिन हमारी कुछ केयरलेसनेस की वजह से जो है हम उनका वैसे ख्याल नहीं रख सकते। वो जो पार्ट्स हैं वो हमारी मोस्टली नेक होती है, हमारी एल्बोज़ होती हैं, हमारे नीज़ के अराउंड एक ब्लैक मार्क हो जाता है या हमारी एंकल के अराउंड एक ब्लैक मार्क हो जाता है, और स्पेशली हमारे अंडर आर्म्स जो हमारी बहुत ज़्यादा हमारी केयर की ज़रूरत होती है लेकिन हम वैसे केयर नहीं कर पाते। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसको आप हैक कह सकते हैं या टिप। वेरी सिंपल एंड ईजी, एंड वी कैन सी दैट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस डार्कर एरियाज, एंड उनको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं उन पार्ट्स को, और उनको कैसे हम लाइटन अप एंड ब्राइटन अप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए लेमन एंड बेकिंग सोडा। ये मेरे पास बहुत बड़ा लेमन है, आपके पास अगर छोटा लेमन है तो आप उसको हाफ़ ले सकते हैं, और मैं इसको हाफ़ काट के इसमें से जूस लूँगी, और साथ में मैं इसके हाफ़ लेमन को जो है वो मैं सेपरेटली यूज़ करने के लिए रखूँगी। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये जूस जो है वो निकाल लिया है, बेकिंग सोडा है और लेमन जो हाफ़ है उसको मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें, ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बेकिंग सोडा को और लेमन जूस को जो है आपने मिक्स कर देना है और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसका मैंने एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है और मैं इसको अब अपनी नेक पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरी नेक पर एज सच कोई ऐसे मार्क्स नहीं हैं, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये हम ऑलरेडी, हम लोग इसको अपनी केयर के लिए भी हम यूजुअली अगर यूज़ करें तो हम इसको अपनी नेक रूटीन, जो क्लीन करने की रूटीन, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसके पेस्ट को, लेमन जूस को एंड बेकिंग सोडा को आपने इस तरीके से पहले अप्लाई कर लेना। उसके बाद हम लोगों ने ड्राई पाउडर लेना है और लेमन लेना है, जिससे हम अपनी नेक को जो है वो सर्कुलर मोशन में क्लीन करेंगे। इसी प्रोसेस को आपने अपने एल्बो के लिए, नीज़ के लिए, स्पेशली अंडर आर्म्स के लिए भी जो है वो यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे नेक और नीज़ का बताऊँगी। इस तरीके से, और इसको आप अपने पूरे आर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने सर्कल मोशन में जो है इसको अप्लाई करना, जहाँ जहाँ ब्लैक मार्क हैं। अपने फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, हैंड पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो थी होम रेमेडी। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। इसको हम लोगों ने वीक में 2 times लाजमी अप्लाई करना है। एंड इसके अलावा रीजंस जो हैं हमारे ब्लैक मार्क हो जाते हैं, ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हार्मोनल्स प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे सन एक्सपोजर हो सकता है, और इसके अलावा हमारी डिफरेंट केमिकल्स और क्रीम्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें, और अगर हम बाहर जाएं तो हम सनस्क्रीन जो है फेस के अलावा वो नेक पे भी लाजमी अप्लाई करें, और उन एरियाज़ पे जो हम एक्सपोज करते हैं। और आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन, and stay happy, stay healthy, stay beautiful, and stay positive. I'll see you in the next video. Till then, bye.